सेना में बोलते हैं पैसे देंगे 11 लाख रुपए। अरे बोले भाइयों सरकार के लोगों, सेना में पैसे के लिए नहीं जाते लोग, सेना में इज्जत के लिए जाते हैं भाई। मेरे देश के ऊपर कोई आस ना हो और मैं देश के लिए शहीद हूँ। पैसे वाले तो बतेरे बैठे, अंबानी है, अंडानी है, पहले टाटा बिरड़ा होया करते, अमित शाह प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी हैं। पैसे तो हम समझते नहीं, हम तो देश की रक्षा के लिए करते हैं। हमारे सेना के अगर हथियार तो हैं, मेडल कितने हमारे पास, एवरेस्ट हम कितने से हैं, कितनी हमने चौकियां जीत ली, कारगिल जीत्या, मेरा है पद यात्रा चल रही है जो अग्निपथ क्रांति यात्रा है। इब आप बातचीत करांगे कि फौज ने लेकर है तो योजना है अपनी के लिए। जो खड़े हैं खटकल टोल कमेटी के प्रधान है और खेड़ा खाप के प्रधान है सतबीर पहलवान जी, रिटायर्ड फौजी हैं, पहलवान भी रह रहे हैं, कई सारी उपाधि हैं, सारियां तो के गिनवावा, किस डाल था इस योजना ने देखे हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई, राम राम प्रधान जी। फौज की नौकरी कर काए हो और या जो आन लग रही है युवा खातर योजना, यह भी फौज से संबंधित से के लग है, नुकसान होगा, फायदे होंगे इसमें? मैंने नहीं, पूरे देश ने लग है, पूरी दुनिया लग है, स्वाय नुकसान से इसमें कोई फायदा नहीं। हमारे युवा जलेंगे, युवा जलेंगे हमारा देश जलेगा। और तो सब कुछ भेज दिया था इसने, रेल जहाज सब कुछ। सेना डिपार्टमेंट एक सर्वोपरि था हमारे देश में, जो कि देश की रक्षा करता था, लेकिन ये 4 साल की योजना बनाई है, ये तो युवा भी बर्बाद कर दिए और देश भी बर्बाद कर दिया और सेना का चीन लगा दिया। मतलब जो एक आज तक कोई दाग नहीं था, हम दाग समझेंगे सेना में, ये 4 साल की नौकरी कुर्सी नौकरी है, ये हम दाग लगाए। सेना में बोलते हैं पैसे देंगे 11 लाख रुपए। अरे बोले भाइयों सरकार के लोगों, सेना में पैसे के लिए नहीं जाते लोग, सेना में इज्जत के लिए जाते हैं भाई। मेरे देश के ऊपर कोई आस ना हो और मैं देश के लिए शहीद हूँ। पैसे वाले तो बतेरे बैठे, अंबानी है, अंडानी है, पहले टाटा बिरड़ा होया करते, अमित शाह प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी हैं। पैसे तो हम समझते नहीं, हम तो देश की रक्षा के लिए करते हैं। हमारे सेना के अगर हथियार तो हैं, मेडल कितने हमारे पास, एवरेस्ट हम कितने से हैं, कितनी हमने चौकियां जीत ली, कारगिल जीत्या, 62 में चाइना की लड़ाई जीती, 71 में पाकिस्तान की लड़ाई जीती। और ये कहते हैं नहीं मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, इनको ये नहीं बोला अब्दुल हमीद कुम था, जिन्होंने 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 18 टैंक उठाए थे अकेले। अच्छा, उन्हें आज तक इस सरकार से पूछे हिंदू मुसलमान कर आए, आजादी जब ली तब ये कहाँ थे? इनका तिरंगा नहीं है दफ्तर पर, इनके घर पर तिरंगा नहीं है, इनका एक सेना में नहीं है, एक किसान नहीं है, एक मजदूर नहीं है इनका, इसलिए इनको ज्ञान नहीं है। ये देश का नाश करेगी या जो अग्निपथ यात्रा है, जो युवा है 17 साल 17 साल 21 साल में कौन सा रिटायर हो गया भाई? अच्छा, 21 साल में तो भर्ती हुआ है, नौकरी लग गए है, फिर हमारा समाज में ब्याह शादी बढ़ेंगी, दौरे मारे गए, युवा भी मारे गए और हमारी युवतियां भी मारेगी। वो शादी करेंगी ना करेंगी क्या होगा उससे भी, यानी नंबर एक खराबी है खराबी। कोई भाई मारी डिबेट लो तो एक बात और हो रही है, तीनों जनरल सेना के बढ़िया बताने लाग रहे हैं, जो पहले जनरल रहे थे जनरल वीके सिंह, वो तो इसकी जने गुण गान लाग रहे हैं कि इस पर की योजना तो हो ही नहीं सकती। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, 6 दिन आज तक कोई भी सेना का अफसर कोर्ट नहीं गया है। अच्छा। और जनरल वीके सिंह कोर्ट गया है अपनी 6 महीने की सर्विस बताने के लिए, केवल 6 महीने सर्विस और करूं और फिर मेरी नौकरी पेंशन बंद है पेंशन के लिए। और वो किस मुंह तक कह रहा भाई इतना बड़ा जनरल हो, ये किस मुंह तक? सरकार के दल हैं, सरकार रही जनरल बात हम सर्वोपरि मानते हैं हमारे जनरल, लेकिन इस मौके देश को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कल ने पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, क्या हमारे ये जवान जो अग्निवीर बोल रहे हैं इनको ट्रेनिंग सुधा ही? ये तो वो मर जाएंगे या हथियार दिया होंगे दुश्मन को? अच्छा, दुश्मन को हथियारे दिया होंगे, ये ट्रेनिंग सुधा नहीं है। कहाँ कारगिल है, कहाँ सियाचिन है, कितने हिल एरिए हैं हमारे, जो ये बोलते ना युवा,
हमारा सेना में जब तक जवान रहता है तो रैंक में हो एनसीओ जेसीओ ऑफिसर वो जवान ही रहता है। जब जवानी उसकी डट जाती जब तो उसको रिटायर कर देते हैं। और कौन सा लो है, कौन सा देश की आर्मी का लो है जो 4 साल की नौकरी सेना में दे, कड़िया मास्टर ला दो, पटवारी ला दो, बेलदार ला दो, किसी ने नौकरी देनी तो ऊँ दे दो सील में। अरे एक आधा युवा बोलता है बोला मुझे वर्दी पहनने की शौक है, मुझे वर्दी पहनने का से। भाई टेलर पे सिमा ले वर्दी पहन के बैठक में टांग दे फिर तो तने फौजी कह दे। फौजी तो जन्म मरण जात होती है, देश के लिए, देश के लिए मरने के लिए जाते हैं ना कि पैसे के लिए। बीजेपी सरकार पैसे में खरीदना चाहती, वोट भी पैसे में, सेना के जवान भी पैसे में, ऐसा नहीं, ये बहुत गलत है। एक बात और कहने लाग रहे था वो नुगा बोले इस तरह हो देश में रोजगार की बाढ़ आ जाएगी, बोले नुरा रोजगार पैदा हो जाएगा। क्या सेना के पर्सन चीन ला के रोजगार देगी या सरकार? भाई सेना ने ना सेड़ और दे दो रोजगार, नौकरी और बतेरी हर जो रेगुलर जो भर्ती आई हुई क्यों बंद करी इसने, क्यों बंद करी कोई पूछे तो क्यों बंद करी? रेगुलर जो वैकेंसी होती है हमारी सेना में 12-15 हज़ार वैकेंसी निकलती रहती है, वो रेगुलर भर्ती करते रहो, उनको रिटायरमेंट करते रहो, इनको भर्ती करते रहो, लेकिन 4 साल पर कौन सी बिंदी ला दी ने? सरकार का खजाना खाली हो रुपये खर्चे होंगे इन फौजियां बजा थे, ये अंबानी अंडानी ले गए खजाना तो मालिया है को है अंडानी है बरवानी है के है वहीं ले खजाना तुमने दे दिया। अच्छा और नरम मोदी है खजाना तो वहीं लेगी, फौजियां सर क्यों लाओ भाई? फौजी तो खून का बदला पैसा लेता और अपनी इज्जत के लिए काम करता है देश में, ना के पैसे के लिए, ना के पब्लिसिटी के लिए। उसको सिर्फ देश दिखता है या दूसरा देश दिखता है, LOC दिखाई देती है बॉर्डर पर। CM खट्टर साहब हैं जो अपने वो नुकण लाग रही है बोले उड़द है रिटायरमेंट आए अरमन ने नौकरी पकड़ाई बोले इतनी नौकरी पैदा कर दूंगा बाहर ले जाऊंगा। जो सीन बता रखी है जो सीन बता रखी है CM रहेगा। अच्छा UPA ऐसा कौन लगता हमने आगे तो कड़ा CM रहेगा इसका। अरे इसने फौज के बारे में कहने खानदान में है फौजी ले आओ, कोई मजदूर है ले आओ, किसान है ले आओ, इन्हें न्यून मेरा फौज चीज के है, चाहे तो किसी घर का बालक हो, किसी के इनके लीडर आगे किसी के बालक नहीं पाऊंगे फौज में, सिर्फ किसान मजदूर गरीब तबका के फौज में जाऊंगे और वो भी जो इस मिट्टी का मिट्टी की शपथ खाऊंगे देशवासी वह सेना में जाऊंगे।